नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा की चौराहटा पुलिस को मुखबिर से एक बड़ी सूचना मिली थी, जिसके चलते रीवा सतना रोड में पुलिस ने चेकिंग लगाई। पुलिस को एक जिस्ट कार से दो आरोपी और एक कुंटल से ज्यादा गांजा बरामद करने में सफलता मिली है। पुलिस ये मानकर चल रही है वो अगर इन आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ करेगी तो एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया जा सकता है। रीवा चौराहटा पुलिस ने दो आरोपी सहित लगभग एक कुंटल से ज्यादा गांजा पकड़ने में कामयाबी पाई है। पुलिस को उम्मीद है इनसे पूछताछ में बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। रीवा पुलिस को जानकारी मिली थी, मुखबिर ने उसको सूचना दी थी, सतना की तरफ जिस्ट गाड़ी से गांजे की बड़ी केप जाने वाली है, जिसके चलते पुलिस ने जाल फैलाया और दो आरोपी सहित कार को पकड़ा। कार की तलाशी लेने पर कार के अंदर पैकेटों में रखे गांजे भारी मात्रा में पुलिस ने पकड़े हैं। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस अभी ज्यादा कुछ बता नहीं रही है, उनका साफ तौर से कहना है पूछताछ चल रही है। बीती रात मुखबिर की सूचना पर रीवा की चौराहटा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लगभग एक कुंटल से ज्यादा गांजा पुलिस ने पकड़ा है, वहीं दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। खबर लिखे जाने तक पुलिस की कार्रवाई फिलहाल जारी थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, बिहार से सतना जा रहा है गांजा का एक खेप जिस्ट कार में। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अपना जाल फैलाया। रीवा सतना रोड में पुलिस ने अपना एम्बुस लगाया, उनको गाड़ी आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने गाड़ी रोका, गाड़ी की तलाशी ली, उसे पैकेटों में रखे गांजे की भारी मात्रा मिली। वहीं पुलिस ने गांजा लेकर आ रही कार को भी आरोपियों के पास से बरामद कर लिया है। कार के अंदर दो लोग मौजूद थे जिनको भी पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी गांजा लेकर सतना की ओर जा रहे थे। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। पुलिस को उम्मीद है वह एक बड़े रैकेट के नजदीक पहुंच सकती है। जिस तरीके से गांजे पैकेटों में रखकर ले जाए जा रहे थे, पुलिस ये मानकर चल रही है भारी मात्रा में कहीं पर गांजे उतारे गए हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके गांजे को इधर उधर ठिकानों में पहुंचाया जा रहा है। हालांकि मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने एक कुंटल से ज्यादा गांजा बरामद कर लिया है। अब पुलिस की नजर एक बड़े रैकेट की ओर है, जिसके चलते पुलिस दोनों पकड़े गए दोनों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है पूछताछ में और भी कुछ हो सकते हैं बड़े खुलासे। वही पकड़े गए आरोपियों के नाम बबलू कुशवाहा, राम सिमोसर बताए जा रहे हैं। पुलिस यह मानकर चल रही है इन आरोपियों से अगर वह कड़ाई से पूछताछ करेगी तो गांजे के एक बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है, जिसके चलते अभी पुलिस पूरी तरीके से जानकारी भी नहीं दे रही है। फिलहाल पुलिस दोनों पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की बात कर रही है। पूरे मामले को लेकर हमने मऊगंज के एडिशनल SP विवेक लाल से बात की, उनका भी कहना था हमने लगभग एक कुंटल से ज्यादा गांजा, दो आरोपी, एक कार पकड़ लिया है। फिलहाल चौराहटा पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है, हम आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं, जो भी निकल कर आएगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। सुनिए एडिशनल SP विवेक लाल क्या कुछ कह रहे हैं। सर, ये गांजा पकड़ाया है, क्या पूरी कार्रवाई है, किस तरह की सूचना थी? ये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर हमारे चौराहटा पुलिस ने बेहतर कार्रवाई करते हुए लगभग एक कुंटल गांजा को पकड़ा है, जिसको दो आरोपी पकड़ा है और इसको पंजीबद्ध करके हम विवेचना कर रहे हैं। इसमें अन्य तथ्य और अन्य जो भी चीजें आएंगी वो आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। किस तरीके से सूचना मिली थी पुलिस को? ये मुखबिर ने सूचना दी थी। अभी दो आरोपी पकड़े हैं। कहाँ से लाई जा रही थी? इसका इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। किस बार वाहन लगभग गांजा कीमत कितनी थी? जस्ट कार थी, जस्ट कार। इसकी कीमत कितनी थी? गांजे की कीमत अभी उसका कैलकुलेशन किया जा रहा है। ताज़ातरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।